शख्स, इंजीनियर्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि अच्छा इंजीनियर बना कैसे जाए। इसके लिए जेई का एक टफ एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, जिसका सक्सेस रेट केवल 1% के आसपास है। अच्छी कोचिंग के लिए बच्चे को अपने घर से दूर कोटा, पटना या लखनऊ जैसी जगह पे जाना पड़ता है, जहाँ हर साल रहने खाने और कोचिंग की फीस में से लगभग 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आराम से मन लगा के पढ़ाई कर पाएगा। ऑफलाइन एजुकेशन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ऑफलाइन कभी खुद सॉल्व नहीं कर सकते। बच्चों की इसी प्रॉब्लम को हम टीचर्स सॉल्व करते हैं बाय कंपटीशन। हेलो शख्स, मेरा नाम नीरज सैनी है, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अच्छा। मैं हूँ अमित, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और मेरा नाम है मोहित त्यागी, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। हम तीनों जयपुर से आए हैं तथा कॉम्पिटिशन के को-फाउंडर्स हैं। कॉम्पिटिशन एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चा आईआईटी जेई तथा नीट की तैयारी करता है। मुझे पता है कि एडटेक का नाम सुनते एक नेगेटिविटी आ जाती है आजकल दिमाग में। उसका रीजन ये है कि आजकल के जो एडटेक हैं उनका प्राइम फोकस मनी माइंडेडनेस है, तथा उनके दिमाग में एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि बच्चे को प्रिपेयर कराने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। हम पिछले 20 साल से यही काम कर रहे हैं, हमें पता है कि बच्चे के सिलेक्शन के लिए एग्जैक्टली क्या क्या चीज चाहिए, और वो इकोसिस्टम हमने कॉम्पिटिशन में बनाया है पिछले 3 सालों। जहां ऑफलाइन के अंदर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वही पढ़ाई कॉम्पिटिशन पिछले 4 साल से 1/10 प्राइस के अंदर करा रहा है। हम चाहते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा बच्चे के कम्फर्टेबल जोन के अंदर घर में बैठकर हम उसे पढ़ाएं और अच्छा रिजल्ट लेकर आए। हमारी आस्क है 2 करोड़ 1% इक्विटी। वाओ। तो आइए शख्स कंपटीशन का हिस्सा बनिए, बिकॉज इट इज पावर्ड बाय रियल गुरुज। क्या बात है, क्या बात है, सारा डिस्काउंट इन्होंने फीस में दिया है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। मोहित, नीरज, अमित, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 3। थैंक यू। आपने अपने पिच में कहा मनी माइंडेडनेस, तो विदाउट मनी माइंडेडनेस आप हमारा पैसा कैसे बना के दोगे वापस? और 200 करोड़ की वैल्यूएशन। हमारा जो कॉज है ये सभी के लिए विन विन सिचुएशन हम क्रिएट करना चाहते हैं। हमने एक यूट्यूब चैनल इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट किया था 2014 में। मैंने कोटा में पढ़ाया हुआ है 10 साल तक। कहाँ पे पढ़ाते थे कोटा में? कोटा में बंसल में पढ़ाया हुआ है, रेजोनेंस में भी पढ़ाया हुआ है। तो उस टॉप बैच में जो मैं पढ़ाता था, मैंने 2014 में पूरा यूट्यूब पे फ्री डाल दिया इंडिया में सबसे पहली बार। तो जो हमारा सोशल एंगल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कितने फॉलोअर्स? अभी लगभग 1 मिलियन फॉलोअर्स है हमारे। कम है? 20 मिलियन से कम तो किसी का नहीं है। हमारे चैनल पे केवल पढ़ाई की बात होती है, सीरियस पढ़ाई की बात होती है, ताकि बच्चा वहाँ से पढ़ के सेलेक्ट हो। इस इम्प्रेशनेबल एज में जो बच्चा होता है उसको और भी माध्यम से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है, शायरी सुना के या इस तरह की बात करते हैं, हम वो उसमें नहीं जाते हैं। आप जो बोल रहे हैं कि वो लोग शायरी करते हैं, ये सारा एंगेजमेंट के लिए ही होता है। मतलब लाइक शार्क टैंक आप प्रोग्राम भी देखिए, उन्होंने एडुकेशन को एंटरटेनिंग बना के अभी लाखों लोग जानते हैं इक्विटी क्या डेट है। अगर आप उसको एक किताब में दे देते तो नहीं जानते। तो एडुकेशन एंटरटेनमेंट साथ में चलते हैं, एंड इसीलिए ये शार्क टैंक सक्सेसफुल है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि गलत क्या है, आप उसको इतना बड़ा USP बना रहे हैं। जो IIT में सक्सेस रेट है, अगर हम केवल IIT की बात करें, 10 लाख में से 10,000 बच्चे लगभग 1% है। मेरे हिसाब से तपस्या करने के बराबर है। अगर आप एक क्लास में, अगर आप बीच में बार बार शेर और शायरी यूज कर रहे हैं, बच्चे का फ्लो टूटता है। मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। मैंने जब IIT की पढ़ाई की थी, मैं फिटजी में पढ़ाई की थी, एंड वहाँ नॉर्मल होता था, मतलब कुछ घंटे का। मेरे क्लास में कुछ बच्चे आते थे जहाँ सुबह 4 बजे से रात को 11-12 बजे तक पढ़ाई करवाई जाती थी। पर आप सुपर नॉर्मल थे ना? नहीं, मेरा मानना ये है कि वहाँ पे इतना, मतलब उनका 18-18 घंटे रोज उनको पढ़ाई करा के, उससे एक तो उनकी पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती थी, और दूसरा आई डोंट थिंक इट वॉज बेटर फॉर देम। चलिए एक सेकंड। हाँ जी। टीचिंग का जो अप्रोच है वो अलग अलग तरीका हो सकता है, ये हम आज डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा बेस्ट है। उससे हटकर ये डिसाइड करते हैं कि आपका बिजनेस इन्वेस्टेबल है कि नहीं। हाँ, वो ठीक है, बिल्कुल। तो आपकी जो डिफरेंशिएशन है, आपकी जो पोजिशनिंग है, वो क्लियरली बता दीजिए। मैं एक्चुअली एक डेमो दिखा सकता हूँ? बिल्कुल दिखाइए प्लीज। जैसे हमारे पास ऐप एंड वेब दोनों वर्जन है। मैंने फिलहाल सिर्फ और सिर्फ जो वेब वर्जन है वो खोल रखा है, एंड इसमें हमने, जैसे अगर मान लो कि बच्चा पहली बार अगर बिना बाय किया आएगा तो उसे पोर्टल यहाँ से नजर आएगा। यहाँ से इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि उसने कुछ कोर्सेज बाय कर रखे हैं। ये मैंने जो अभी पोर्टल खोल रखा है, ये एक ड्रॉपर बच्चे के लिए जो क्लास 12th पास कर चुका है। ड्रॉपर बच्चे का मतलब क्या होता है? जो बच्चा उसने मतलब कॉलेज नहीं किया बीच में एक साल। अब क्लास 12th पास किया हुआ बच्चा अलग अलग स्टेज पर अलग अलग रिसेप्टिविटी वाला बच्चा होता है।
ठीक है, कि किसका समय ज्यादा है किसका समय कम है, हमने अलग अलग कोर्सेज डिजाइन किए। जो कोर्सेज डिजाइन करना किसी ऑफलाइन क्लासेस के बस की बात शायद नहीं है, वो शायद उतना थॉट दे भी नहीं सकते, हमने दिए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक ही लेक्चर को हमने ये प्रवीण जो क्लासेस है इसके अंदर पढ़ाया, हमने प्रबल में पढ़ाया, हमने ये माई प्रवीण फास्ट लेन में पढ़ाया। फास्ट लेन मीन्स कि सेम लेक्चर हमने फास्टर पढ़ाया उस बच्चे के लिए जिसकी रिसेप्टिविटी ज्यादा है और जिसके पास समय थोड़ा सा कम है। इसके बाद हमने सी क्यूब के अंदर क्रैश कोर्स टाइप पढ़ाया, सेम चीज पढ़ाई और कम समय के अंदर, जैसे सिर्फ और सिर्फ जेई मेन ही क्लियर करना हो, एडवांस ना क्लियर करना हो। इसके साथ अगेन हमने चैंप नाम से कोर्स निकाला, मतलब इसी कोर्स का ही पार्ट है ये, उस बच्चे के लिए निकाला जिस बच्चे को सिर्फ रिवीजन करना हो, उसने पढ़ाई कर रखी हो पहले से। चलिए ये हो गई पैकेजिंग, आपने पैकेजिंग अलग अलग तरीके से कर दी ताकि सबके साथ कनेक्ट हो। नहीं, और कस्टमाइज भी कर दिया है मस्जिद में, कस्टमाइजेशन बाकी कोई नहीं करता है, बाकी कोई नहीं कर रहा, और आपको इस पे ट्रैक्शन भी मिल रहा है, काफी लोग यूज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट ईयर कितना आपके पास से बच्चे जेई क्लियर किए थे बताएंगे? 2055 बच्चों को आईआईटी में एडमिशन मिला है। वो कितना परसेंट ऑफ टोटल मार्केट है? 17,300 के आसपास। उसमें 2000 आप लोगों के थ्रू? बिल्कुल। वाओ, उन्होंने और कोई नहीं किया था कुछ, मतलब ऑनलाइन वो हमसे पढ़े। आपके अनुमान से उसमें से कितने बच्चे होंगे जो और भी ऑफलाइन लेते होंगे? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 90% रफली मैं ऐसे मानता हूँ कि लगभग 500 बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ हम पर ही डिपेंडेंट होंगे। तो आपके पास तो लाइन लगी हुई होगी यार अभी बच्चों की, अगर ऐसा अगर डेमो हो गया तो आप बीच में आ जाओ। क्या स्टैट्स है अभी बिजनेस में आपके? स्टैट्स अगर देखें तो लास्ट ईयर हमारे पास जो जेई के बच्चे थे वो 11,000, इस साल 9,600 अभी तक है और सेशन अभी बाकी है। तो टोटल कितना होगा इस साल? लगभग हम शायद इस साल 13,000-14,000 के आसपास पहुंचे। और आपने शुरू कौन से साल में किया था? 2020। अच्छा, तो 11,000 टाइम्स 30,000? मुनाफा कितना कमाया 10 करोड़ में पिछले साल? टैक्स हटाने के बाद में 2 CR था। और सैलरी थी आपने एक दूसरे को? तीनों को नहीं, अभी वो कंपनी में ही है, हम लोगों ने सैलरी अलग से नहीं उठाई। कॉस्ट ब्रेकअप बताओगे 10 करोड़ में किधर किधर जा रहा है? रेंट में है सबसे बड़ा, तो सैलरी में है और फैकल्टीज हैं। कितने फैकल्टीज हैं टोटल? 18 फैकल्टीज टोटल हम लोगों को मिला। और कोई स्टार फैकल्टी है उसमें? आप तीन होंगे? नहीं, हम तो नॉर्मल फैकल्टी हैं। पहले कितना कमा रहे थे? हाँ बताओ। 90 hours का मेरा कमिटमेंट था जिसके लिए लगभग 1.5 CR था। कमाल का धंधा भाई। 1.5 करोड़ रुपए था, उसके बाद उन्होंने बोला कि आप कंपटीशन बंद कर दो और इसको डबल कर लेते हैं। कमाल है भाई, इतना अच्छा पैसा है। एक बात बताइए, शार्क टैंक में इस सीजन में गिवन बाहर जो माहौल है, 10 करोड़ रेवेन्यू वाली कोई भी कंपनी ने 200 करोड़ वैल्यूएशन नहीं मांगा, तो आप जो नहीं बनना चाहते हो वो खराब एडुटेक कंपनीज, मनी माइंडेड लोग, वो ही आप बनते जा रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बाकी की जो एडटेक कंपनी है उन्होंने पहले क्या किया, एड्स के थ्रू बच्चों को लेके आए विदाउट जनरेटिंग द सिस्टम, विदाउट जनरेटिंग द ट्रस्ट। पर आपने 10 करोड़ पे 200 करोड़ मतलब बोला कैसे? इसको मैं दो चीजों में एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला चीज तो ये हुआ कि 30 के मल्टीपल पे भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उनमें ना। आप वो नहीं हो पर उनका मल्टीपल चाहते हो? नहीं, जो अभी ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग डाउन है। आपका एक राउंड हो रहा है? नहीं, कोई राउंड नहीं हुआ है। वी आर स्टिल स्टैंडिंग, विच इज ए टेस्टमेंट कि अगर आप अच्छा पढ़ाओगे तो ऑर्गेनिकली ग्रो करोगे। करेक्ट। तो अपॉर्चुनिटीज इज स्टिल देयर। दूसरा, प्री कोविड से पहले जितनी भी ऑनलाइन कंपनियां आई उन्होंने ऑफलाइन की कुछ कमियां गिनाई, वो कमियां आज भी हैं। मोहित सर, 20x वैल्यूएशन जस्टिफाई करने के लिए आपको भी उसी तेजी से ग्रो करना पड़ेगा, आप भी वही काम करने लगेंगे। लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाए ना इसमें। नहीं, वो नहीं कर पाए पर आपको भी वही करना पड़ेगा ना, एड्स चलानी पड़ेगी। जिस चीज के कारण ग्रो नहीं कर पाए वो हम क्यों करेंगे? क्यों नहीं करोगे तो भाई पैसे कैसे रिटर्न करोगे? जो बाकी ऑनलाइन है ना वो लगभग हार मान चुके हैं, हमें ऐसा लगता है, और इसके कुछ प्रूफ तो ऑफकोर्स दिखते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम उस पॉइंट पे, उस जंक्शन पे। ऐसा लगा कि बाकी कोई और कुछ काम का काम नहीं कर रहा और आप ही लोग काम का काम कर रहे हैं? इस इंडस्ट्री में कोई और अच्छा काम कर रहा है? जरा जानना चाहेंगे वो चीज। अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे PW did good work, physics वाला। हाँ, they are doing good। वो क्यों फोड़ रहा? लगभग जेई 1,000,000 लोग देते हैं, नीट 2,000,000 लोग देते हैं। तैयारी करने वाले सीरियसली 1,000,000 बच्चे होंगे। फिजिक्स वाला ने उस 1,000,000 के बाद वाले 5,00,000 बच्चों को तैयारी कराना चालू किया है, और बिकॉज उनका टिकट साइज केवल 3,000 है तो उसमें बच्चा इतना सोचता नहीं है, उसको पेरेंट्स से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने जितनी क्लैरिटी से फिजिक्स वाला का बिजनेस समझाया, अपना नहीं समझा पाया? एडटेक अभी लीनियरली ग्रोथ नहीं करता है।
जैसे एलन हो गया, आज का सबसे बड़ा जो प्लेयर है ऑफलाइन का वो एलन है, जिसको बनने में लगभग 10-15 साल पहले लगे होंगे। एलन की क्या वैल्यूएशन है? जो लास्ट इक्विटी उठाई है 1.1 बिलियन डॉलर पे। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। हाँ, इसमें लीनियर ग्रोथ नहीं होता, इसमें पहले 3-4 साल तक आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप स्टेबल हो, आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, आपके पास एक पूरा सिस्टम है। उसके बाद एकदम हाइपर ग्रोथ आती है। फिजिक्स वाला के साथ आई विल से सबसे बड़ी दिक्कत अभी आगे आने वाली है। टेनिस वाला तो ये खत्म होने दे पीयूष। हां, क्या दिक्कत? सबसे बड़ी दिक्कत यही आने वाली है, दे कैन नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट इन टॉप ब्रैकेट। पर आप करना क्या चाहते हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ फिजिक्स वाला क्या कर रहा है, उनके साथ क्या दिक्कत आ रही है, कौन बेवकूफ है कौन अकलमंद है। मैं पूछ रहा हूँ आप क्या करना चाहते हैं? आप हम ऑनलाइन का बंसल बनना चाहते हैं। ये बंसल क्या होता है? मेरा सरनेम है बंसल। तो भाई बंसल अपने रिजल्ट के लिए जाना जाता था और वो एडमिशन को उस टाइम पे रिजेक्ट करते थे। अच्छा मोहित सर, एक बात बताइए, आप जब यहाँ पढ़ाते थे आप क्या स्टार टीचर हुआ करते थे इन सारे जगहों में, जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातचीत से? बिल्कुल। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ आप कह रहे हैं कि जो सबसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको केटर करूंगा, फिजिक्स वाला मास को केटर कर रहा है। मैं सही समझ पा रहा हूँ या गलत समझ पा रहा हूँ बताना? अभी के लिए फिजिक्स वाला मास को केटर कर रहा है, बट आगे चल के क्या होगा जब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिजल्ट आने चालू होगा? पता है कि सब क्या करेंगे। हाँ, चलिए देखिए, आपका अभी तक जितना समझा है, आपका रियली यूएसपी है कि आप रिजल्ट्स ड्रिवन एडटेक बनाना चाहते हैं फॉर जेईई एंड नीट। नो शॉर्टकट्स। हाँ, इसमें मेरा दो मानना है, रिजल्ट्स में दो टाइप की गेमिंग होती है। एक होता है कि एडमिशन टेस्ट होता है कोचिंग में घुसने के लिए, जहां बेस्ट बच्चों को लिया जाता है, उनको डिस्काउंट दिए जाते हैं, एंड जो नहीं कहते उनको हम लेते ही नहीं है क्योंकि फिर रिजल्ट्स इंपैक्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरी गेमिंग होती है वो न्यूज़पेपर में सबके बसेस पे भर भर के एड्स होते हैं। तो रिजल्ट्स को लेके ना, मुझे अभी आज भी मेरा मानना है कि उसका सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट है आपके सिलेक्शन कितना स्ट्रिक्ट है। दूसरा ये गेमेबल होता है, तो इस पे एक रिलायबल ट्रस्टवर्दी बिजनेस बनाना मुश्किल है। एंड तभी सालों से ये चेंज होता है, हमारे टाइम विद्या मंदिर था एक नंबर वन, फिर बंसल हो गया, एंड तो ये चेंज होता जाएगा। आप इसमें ब्रांड ऑन द बेस ऑफ रिजल्ट नहीं बना पाओगे। सेकेंडली, मुझे आज भी लगता है कि रिजल्ट के लिए ऑफलाइन एक बहुत जरूरी कंपोनेंट होगा, क्योंकि 15 साल 16 साल के बच्चों को एंगेज ऑनलाइन घंटों तक रखना मुश्किल है। तो आज मैं इसमें आपके साथ जुड़ नहीं पाऊंगी, बट बेस्ट ऑफ लक। एक तो मुझे आपके विजन में क्लैरिटी नहीं मिली, कभी आप कह रहे हैं ऑनलाइन का बंसल बनाना है, कभी आप बता नहीं पा रहे हैं। आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि मुझे 10,000 बच्चों को या 1,00,000 बच्चों को IIT भेजना है। आप हमेशा कुछ अनऑथेंटिक बात ही कर रहे हैं। सेकेंड, मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन ऑब्सेस्ड है, और मेरे को नहीं लगता बाय बीइंग कंपटीशन ऑब्सेस्ड आप बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। तो इसलिए मैं इन वजह से बाहर हूं, बट बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मेरा भी नो ही होगा इसमें, मैं व्यूज से काफी बार सारे व्यूज से अग्री करूंगा। आप एक स्टार टीचर से एक सक्सेसफुल कितना बड़ा बिजनेस बनाएंगे वो एक क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, और हो सकता है कि स्टार टीचर होने के कारण से आप एक छोटा सा एक नीश ऑडियंस को आप अट्रैक्ट कर सके, बट ये कितना लार्जर यहां से जाएगा वो क्वेश्चन रहेगा मेरा, तो उस कारण से मैं आउट होना चाहूंगा। ठीक, मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा आज की डेट में। मुझे बस ये लग रहा है कि थोड़ा ये आपने फोमो में बिजनेस शुरू किया है, जैसे कि सब पैसा कमा रहे हैं, सारे टीचर आजकल पैसा कमा रहे हैं तो हम भी कमा लेंगे। बिजनेस की तरफ से मुझे अभी ये नहीं लग रहा कि आप इसमें कुछ अलग कर पाओगे, अपना आपके अंदर वो वजूद अभी समझ नहीं आ रहा मुझे, तो मैं आउट। मैं आपका डिफरेंशिएशन ही नहीं समझ पाया। आपने कहा कि ये काफी बिजनेसेस आए और हमने भी देखा है काफी गंदगी फैल गई, एक तरह से एडटेक में वो शब्द भी यूज हुआ, राइट और एक बार मुझे लगा कि आप एक मीठी हवा का झोंका लेके आए, लेकिन जैसे जैसे बात करते रहे आप वही खेल खेल रहे। नहीं तो टेक और एडटेक पर्टिकुलरली को लेके मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। दीज आर द रीजंस आई एम आउट। गुड लक, फाइंड योर फुटिंग गाइस, यू आर ऑल ओवर द प्लेस। थैंक यू। गुड लक सर। थैंक यू। गुड लक टू यू।